ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਂਸੀ ਗਰੇਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਤੇ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏਮਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਕੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਕੇ ਤਲਵਾੜ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ आज फिर आप सबका इस कोविड सैशन इंटरैक्शन पे स्वागत है। मैं फिर थोड़े नाल जिहड़े कि साडे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं उन्हां दा की जवाब है तो थोड़े नाल मैं शेयर करदा। देखो जिहड़ी ये हुण कोविड की लड़ाई है पंजाब खासा अजकल साडे बहुत घट केसेस हैं डैथ भी बहुत घट है तो ये बड़ी अच्छी गल है पर सानू कोशिश ये करनी पएगी कि इसनों असी मेनटेन करिए। असी अज जी थर्ड वेव का जो रौला पै रहा है और डर है कि थर्ड वेव आएगी उस तो अपने आप को बचाने वास्ते ना जो भी हिले करने हैं जो भी तरीके बरतने आपां नूं बरतने चाहिए हैं ताकि आप थर्ड वेव में प्रॉपरली इस तरह की जिस तरह सैकेंड वेव से आप उस तरह की ना आन दईए। मेरे ख्याल है मैं कहांगा कि थर्ड वेव में आप हराइए। एक जरा हम सवाल कुछ जे हैं किसने कहा देखो आपने स्कूलों शुरू कर दिता है पिछले मंडे तो बच्चों स्कूल भेजना सेफ है क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। देखो जरा स्कूल खोले गए हैं ये बड़ा सोच साच के ही जरा डिसीजन लिया गया है क्योंकि बहुत देखो साल तो उपर हो गया स्कूल आलमोस्ट बंद पाए हैं ये बच्चों से पढ़ाई तो इलावा मन पर भी असर पैंदा है बिकॉज स्कूल थोड़ा बहुत खेल नहीं जा सकते थोड़ा बच्चों अपने आप को साथियों मिलन का मुश्किल हुंदा सी तो वो भी बड़ा जरूरी है बिकॉज इस तरह का थोड़ा जा बच्चों के मन पर लंबा असर भी ठीक नहीं सी। और देखा गया सी कि साढ़े जिहड़े हुण केस हैं पंजाब च वो खासे घट गए सी ये सारा सोच सच के ये जरा डिसीजन लिया गया है कि स्कूल शुरू किए जा उनकी प्रिकॉशन लेनी है। देखो स्कूल च बच्चों भेजना सेफ है कोई घबराओ नहीं दो तीन प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। एक तो अगर बच्चे नू, देखो अगर किसी नू बच्चे नू थोड़ा खांसी है बुखार है उन्हें ना भेजो। दूसरा स्कूल मेक श्योर हालांकि इंस्ट्रक्शन गई हैं स्कूलों कि जेडे उत्थे टीचर है जेडे कर्मचारी हैं सफाई वाले हैं वो सारे की वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए है ये रिक्वायरमेंट सी जदों कि स्कूल खोलन दी ते बच्चों ये जरूर कहो एडवाइस करो कि उत्थे जाके मास्क पहनते रहन। स्कूल वालों भी क्लीयर इंस्ट्रक्शनस हैं कि एक तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखन बच्चों बिठान जड़ा है वो थोड़ा जा तीन तीन फीट तो डिस्टेंस रख के बिठाया जाए मास्क पहनन दा टीचर भी पहनन बाकी लोग भी पहनन ताकि बच्चे भी पहनन और बच्चों ये बारे थोड़ा एजुकेट भी किया जाए कि ये मतलब की है जरूरत की है मास्क पहनन दी। और बाकी स्कूल वाले नू क्लीयर इंस्ट्रक्शनस हैं प्रॉपरली सैनिटाइज करना क्लासरूम्स नू बाथरूम साफ रखना ताकि उत्थे कोई इस तरह ना हो कि वायरस उत्थे हो ये चीज़ा सारिया प्रिकॉशन लैके ही ये स्कूल खोलन का जरा डिसीजन लिया गया है तो ऐसी कोई बात नहीं पर ये जरूर ध्यान रखो कि अगर बच्चे नो कोई तकलीफ है कोई बुखार सा है कोई नज़ला जुकाम वाली कोई थोड़ी शिकायत है तो उन्होंने स्कूल च ना भेजो। और स्कूल वालों वास्ते भी इंस्ट्रक्शन है कि अगर वो कोई कर्मचारी कोई टीचर किसी इस तरह का कोई थोड़ा तकलीफ है बुखार है वो भी उत्थे ना तो आपू आस्ता आस्ता ये चीज़ा बिल्ड करनिया पैनगियाँ ताकि आप जरा स्कूल नूं सेफ रख सकी। और ये जरा स्कूल खोलन दा देखो कई बाहरले देशों ने भी वेव्स के मुताबिक भी खोले हैं कई कंट्री ने तो स्कूल बंद ही नहीं किए जैसे स्वीडन है उन्होंने कहते स्कूल ही नहीं बंद किए। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी घबराने वाली डरने वाली गल नहीं है पूरे प्रिकॉशन लिया गई हैं और लिया जाएंगी फ्यूचर च ताकि अगर लगेगा किसी स्टेज पर कि इस स्कूल थोड़ा कुछ इशू हो रहा है वो उस तरह का स्टैप लिया जाएगा पूरी प्रिकॉशन लैके उसनों हैंडल करन दा उनु
ताकि उसनों ठीक तरह उलझाया जाए जो भी उसकी इशू है। सो आई थिंक जो आप स्कूल बच्चों भेज रहे हैं आप बिल्कुल ना डरो, ठीक है मैं मानता हूं थोड़ा कंसर्न होंगे पेरेंट्स, पर आप अगर प्रिकॉशन लवेंगे तो मेरा ख्याल है आप इस चीज़ तो, और बच्चों ये भी है भी नो कि अगर बच्चों थोड़ा बहुत होंगी है बीमारी वो कुछ बच्चों तंग नहीं करती, मुश्किल ये आती है जो घर आते हैं तो फिर आके कोई पेरेंट्स ना ट्रांसमिट हो गए, तो वो भी मैं बेनती करांगा समझ कहांगा कि पेरेंट्स नूं चाहिए जल्दी तो जल्दी अपने आप नूं वैक्सीनेट करा लैन ताकि वो भी जरा डर है वो भी बहुत घट जाए। अगे सवाल आया है कि देखो जी थर्ड वेव आ रही है, कई लोग लीडर भी कह रहे हैं कई के सितंबर च आ रही है, अगर सानू लगता है कि थर्ड वेव सितंबर च आ रही है तो आप क्यों रिलैक्सेशन किए हैं, क्यों आप खुल दिए छुट्टियाँ, मतलब थोड़ा गैदरिंग का नंबर भी बताया गया है, मार्केटा भी खुली गई हैं, कर्फ्यू भी बंद हो गया है, तो अगर लग रहा है कि सितंबर च आना है आप क्यों नहीं प्रिकॉशनरी स्टेप रखिए। देखो गल यह है कि ये डर है कि सितंबर च आए अक्टूबर च आए ये बारे कहना बड़ा मुश्किल है, ये भी ना एक थोड़ा गैस है आप कह लो साइंटिफिक गैस है, और इन्होंने बिच भी कहना कि ये सच होंगे। तुम देखो पिछली बारी जो पहली वेव आई है जो आप अगस्त सितंबर च इन्ना सफ़र किया तो डर सी कि विंटर आ रहा है, त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोग इकट्ठे होंगे, बहुत डर सी कि ये जनवरी फरवरी के बीच दोबारा सैकेंड वेव आएगी, पर देखो असी उन्हों पास किया, फिर जाके नो डाउट जून और मई अप्रैल मई जून च सानू सैकेंड वेव तो सफ़र करना पड़ा, पर उदे विच इक वड्डी गल ये सी कि वो जिहड़ा वायरस आया म्यूटेटेड वायरस आया, पहला यूके वायरस आया पंजाब च उहदे नाल नाल डेल्टा वाला आया, तो इस तरह की म्यूटेशन अगर कोई होर गलत म्यूटेशन होंदी है कोई खतरनाक म्यूटेशन होंदी है वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर लगता है कि आप अगर अपने प्रिकॉशन जिहड़े तरीके आप कई बार सलाह दस्या तुहानू और आप सारे लोग जानते हैं कि अगर ये प्रिकॉशन आप जिन्हों आप कह लो सोशल वैक्सीन कह लो भी मास्क पहनते रहना हाथ अपने सैनिटाइज प्रॉपरली करने क्लोज जगह जिथे लोग इकट्ठे हो नहीं जाना इस तरह दी प्रिकॉशन ले जावांगे तो आप अपने आप तो इस थर्ड वेव तो भी बचा सकते हैं, और मैं तो कहना आपू पूरा पंजाबियों पूरी कोशिश करनी चाहिए है कि आप इस थर्ड वेव न हराए, साढ़े जो नंबर है पहला देखा जाए सैकेंड वेव भी साढ़े नंबर बाकी स्टेटा नालों इन्ने ज़्यादा नहीं बधे सी, तो इस करके आपू होर मेहनत करनी पेगी कि आप तरीके वरत के तो सैकेंड वेव थर्ड वेव तो इन्ना कोई डरने वाली गल नहीं है, अगर आप प्रिकॉशन लवेंगे आप इस तो अपने आप को बचा सकेंगे। और किसी ने यह भी कहा कि देखो जी जो थर्ड वेव आई है आ रही है डर है सैकेंड वेव किमें प्रॉब्लम हुई बिस्तर नहीं मिले लोगों को ऑक्सीजन का कोई इशू आया दवाइया का कोई इशू सी तो उसकी कोई तैयारी है, देखो मैं आपको ये बारे बड़े कॉन्फिडेंस ना कह सकता कि जो भी तैयारियां चाहिए बेड्स दियाँ ऑक्सीजन वास्ते दवाइया दियाँ सारिया चीज़ों की पूरी पूरी तैयारी हो रही है, दवाइयों प्रक्योर किया जाएगा बेड्स बधाए गए हैं ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो आम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी लग गए हैं ताकि इस तरह की कहानी वो ना आए, बट देखो सैकेंड वेव च जिन्ना बाकी स्टेट जिम्मे दिल्ली वगैरह सफ़र किए बेड करके ऑक्सीजन करके पंजाब ने उस तरह का सफ़र नहीं किया क्योंकि पंजाब पूरी तैयारी रखी गई सी, ये जरूर है कि एकदम केस बदलना थोड़ा एक शुरू शुरू थोड़े दिन शुरू ऑक्सीजन का इशू आया वो इस करके भी है कि ऑक्सीजन पंजाब नहीं बनती बाहरों आती है उन्होंने ट्रांसपोर्ट का भी इशू सी, सो आई थिंक इस इशू से बिल्कुल नहीं घबराओ पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहना है कि यदा कोई डरने वाली पूरा तैयारी अगर कोई इस तरह की वेव आती है वो मरीजों को किमें ध्यान रखना है किमें उन्होंने पूरा इलाज करना है ये पूरिया तैयारियां चल रही अगे भी हो रही हैं स्ट्रेंथन करने वास्ते ट्रेनिंग करनी है नर्सिस की डॉक्टर की डॉक्टर होर भर्ती करने है सारी जो एफर्ट्स हैं पूरे जोरे शोर नाल ये चल रही हैं स्टेट की। तो किसने कहा कि जी थर्ड वेव आएगी वो भी थर्ड वेव बारे सवाल है कि देखो ये नहीं कि जिन्होंने अस्थमा है जिन्होंने कोमॉर्बिडिटी है उन्होंने ज़्यादा तंग करेगी, देखो ये तो आपने पहला भी देखो जड़ियाँ ये बीमारी जी है कोविड की जी बीमारी है ये जिन्हों को मॉरबिड कंडीशन है
चाहे हार्ट की है, लंग की है, किडनी की है, लिवर की है, कोई कैंसर है, इन्हों अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये बीमारी ज़्यादा तंग करती है। कहते हैं कि मोर्टैलिटी 10 times ज़्यादा होंगी है जिन्होंने ये बीमारियाँ हो एज कंपेयर टू जिन्होंने ये बीमारियाँ ना हो। उम्र का भी है, जिन्होंने ज़्यादा उम्र से होंगी है उन्होंने भी थोड़ा खतरा पैदा कर दी है। सो ये तो सानू प्रिकॉशन पहला भी ही कहा जा रहा है कि जिन्होंने इस तरह की कोई तकलीफ है, नंबर वन एक तो वो बीमारी का पूरा इलाज रखो, दवाइयाँ रेगुलर खाओ तो उन्होंने कंट्रोल रहे, शुगर है शुगर को कंट्रोल रखो, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खाओ, हार्ट की है कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं उनको आप रेगुलर लीजिए, उनको ना अनगौली ना करिए। अगर तुम उन्होंने कंट्रोल रखोगे तो इन्फेक्शन होने का भी चांस घटेगा, अगर हो भी जाती है तो उसका सीरियस होने का भी चांस बहुत घट जाए। और बाकी ये भी जरूरी है कि जिन्होंने इस तरह की तकलीफ है उन्होंने जरूर प्रिकॉशन ज़्यादा सीरियसली लेनी चाहिए। मास्क पहन तो बाहर ना जाओ, ईवन अंदर भी जगह बैठे हैं कुछ लोग वहाँ बैठे हैं तो मास्क पहन के रख लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, मास्क पहन के कोई किसी को दिक्कत नहीं आती, ये सोचने की गल है। तुम आराम नाल साह ले सकते हो, गल कर सकते हो, पर कोशिश करो कि जिथे लोग इकट्ठे हो अपना मास्क यूज़ ना, और जरा सैनिटेशन है, अब कहीं जाते हो वाशरूम का डर होता है जो क्लोज जगह होती है, कई बार उसमें कई वायरस सस्पेंड रह सकता है तो वहाँ कोशिश करो कोई साफ जगह हो। तो यही प्रिकॉशन अगर लेंदे रहोगे तो कोई ऐसी गल नहीं, जिन्होंने कोमॉर्बिड कंडीशन है वो भी अपने आप में इस बीमारी तो बचा सकते हैं। ऑफकोर्स सब तो बड़ी गल है वैक्सीन, और जिन्होंने ये बीमारियाँ हैं तो गवर्नमेंट ने 60 साल तो उम्र वाले किन्ने चरा तो अलाउ किया वैक्सीन, मेरा ख्याल है पंजाब भी 80% पॉपुलेशन वैक्सीन लग चुकी है जिहड़े 60 साल तो उपर हैं या जिन्होंने कोमॉर्बिड कंडीशन है। तो इस करके जिन्होंने नहीं लगी या कोई सैकेंड डोज रहती है जो भी ड्यू होंगी है अपना जाके वैक्सीनेशन कराओ, और जी सैकेंड डोज है वह भी जल्दी लो, बिकॉज वैक्सीनेशन का ये हूँ देखो सारे देशों तो ये नतीजा निकलिया कि वैक्सीन जिन्होंने लगी है इन्फेक्शन हो सकती है उन्होंने, दे कैन गैट इन्फेक्टेड जिन्होंने से कहने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, पर उन्होंने इस बीमारी सीरियस नहीं करती, वो घर बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं, हस्पताल जाने की जरूरत नहीं पैंदी। तो इस करके वैक्सीनेशन जी है बहुत अहम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी तो बचने वास्ते, तो अपने आप में जल्दी जल्दी वैक्सीनेट करो। एक किसी ने सवाल पूछा कि देखो जी मैंने वैक्सीन लगा ली, जोड़ा मेरा सर्टिफिकेट आया उन्होंने जेंडर चेंज कर दिता, बई ये कोई टाइपिंग एरर हो सकती है, तुम जो सेंटर थोड़ा लग्या है वो जाके जरा इंचार्ज है उन्होंने मिलो, उन्होंने दसो, और मेरा ख्याल है वो पूरा स्टैप लैके इस ठीक कराया जा सकता है, तो उन्होंने जाके मिलो, मेरा ये कोई बड़ी गल नहीं है, दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ। बाकी किसी ने कहा कि ये कोविड का ट्रीटमेंट है ये सरबत सेहत बीमा योजना च कवर्ड है, देखो कोविड तो एज सच गवर्नमेंट सैक्टर तो टोटल फ्री है, कोई तुम्हें पैसे नहीं देने पैंदे, और जरा प्राइवेट सैक्टर है उत्थे भी पैकेजेस बनाए हुए हैं, रेट फिक्स किए हुए हैं, जिहड़ियां इस तरह दियां योजना हैं आयुष्मान योजना वो अंदर तुम कवर होवोगे। तो मेरा ख्याल है अगर किसी को इस तरह की कोई दिक्कत आई है कि किसी हॉस्पिटल ने चार्ज किया तो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान च लाओ, तो आई एम श्योर ये वास्ते थोड़ी हेल्प पूरी होएगी। और पर कोविड का ट्रीटमेंट जरा है उस सारा गवर्नमेंट वालों फ्री, ईवन प्राइवेट वास्ते भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर ली है, कुछ मेडिसिन कोई ऑक्सीजन कैथेटर होर भी जो उन्होंने सपोर्ट चाहिए है। तो अगर किसी इस तरह की कोई इशू है तो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान से लावे, बट मैं श्योर करदा कि कोविड का ट्रीटमेंट पूरा पूरा गवर्नमेंट वालों एक तरह फ्री किया गया। ये सर कुछ अच्छ सवाल से जोड़े कि मैं थोड़े नाल शेयर किए हैं जिन्हों का की जवाब है की उत्तर है। देखो ये ज़्यादा कुछ लोगों के जो दिल से दो बड़े कंसर्न है, एक तो भी स्कूल खुलन करके बच्चों वास्ते वो मैं थोड़ा दसिया प्रिकॉशन लो और थोड़ा जा ध्यान रखो पर बच्चों स्कूल भेजो, और गवर्नमेंट प्रॉपरली वॉच करेगी अगर कोई इस तरह की इशू आता है टू टेक केयर ऑफ एनी क्विक प्रिकॉशन। दूसरा थर्ड वेव के बारे देखो पूरी तैयारियां हो रही हैं ताकि थर्ड वेव अगर आती भी है
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ, ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਓਨਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਭੇਜੋ, ਤੋ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇਕੇ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।